ऑल राइट सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू राइट सो फाइनली भाई द डी डे इज हियर ठीक है राइट जस्ट आई थिंक लेस देन 48 आवर्स में आप लोग एग्जाम में लिख रहे होंगे ठीक है तो आज देखिए हम लोग बात करेंगे दिस विल बी द फाइनल सेशन ठीक है एंड आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन ठीक है भाई क्योंकि सिंपल सी बात है भाई ठीक है आप लोगों ने सुना होगा ऑल एंड्स वेल दैट मतलब सब कुछ अंत भला तो सब भला ठीक है इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल ठीक है तो यही है सो नाउ इज़ द टाइम ठीक है नाउ इज़ द एक्शन टाइम ठीक है एंड उसको लेके है मैंने दो तीन पॉइंट्स भी नोट किए हैं आई हैवंट मेड एनी स्लाइड वगैरह ठीक है बट मैं बेसिकली ना आई वॉन्ट टेल यू दीज जेनरिक पॉइंट्स की ठीक है सही से सो जाना राइट एंड मतलब कोई अंकल बिस्किट दे तो मत खाना यानी ऑल ये सब चीज़ें नहीं बात करेंगे यार ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है ठीक है मैं देखो अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा और बहुत फ्रैंक तो मैं बताऊँगा राइट आई हैव शोन यू माई मार्कशीट ऑल्सो कैसे मैंने 17 में पेपर दिया ठीक है 18 में पेपर दिया 19 में पेपर दिया और आप जैसी तैयारी भी करी ठीक है मतलब मैंने तैयारी करी अब जो भी था मेरा प्री भी नहीं हुआ ठीक है राइट तो फ्रैंकली मतलब ऐसा क्या था और अब ऐसा हो गया कि मतलब अब जब दो ठीक है तब हो जा रहा है ठीक है राइट तो ऐसा ऐसा डिफरेंस क्या आ रहा है पहले ना ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है ठीक है राइट और ये आई फील कल के पेपर में या परसों जब भी एग्ज़ाम है ये बहुत मैटर है ठीक है ये थॉट प्रोसेस है देखो साफ बात मैं तुमसे बोलता हूँ ठीक है क्योंकि पहले मैं तैयारी कर रहा था ना सिर्फ रिज़ल्ट पे मुझे हर हालत में आईएएस बनना था राइट मुझे हर हालत में बस प्री निकालना था राइट तो उसके लिए क्या होता था मैं ना जब आप सिर्फ वो रिज़ल्ट चाहते हो तो ना क्या होता है कि यू डोंट बिलीव इन द प्रोसेस सिर्फ एंड गोल पे करते हो सिर्फ आप एंड गोल पे जाने लग जाते हो भाई किसी तरीके से बस नाम लाना है ठीक है राइट और वहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ ना अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा गलेबल बन जाते हो ठीक है वहाँ पे आप रॉन्ग साइड में टिल्ट होना क्विक गेट क्विक रिच ठीक है राइट आप देखते हो शेयर मार्केट में लोग हारते क्यों हैं ठीक है क्योंकि उनको जल्दी चाहिए ठीक उनको सिर्फ पैसा चाहिए एंड में ठीक है भाई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है शेयर मार्केट में है मैनी पीपल सी वॉरेन बफे वगैरह उन्होंने पैसा बनाया है ठीक है कैसे बनाया भाई कैसे बनाया आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका पैसा बना ठीक है समझो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस ठीक है और यही चीज़ मेरे साथ हुई ठीक है जब मेरा 2019 तक मेरा प्री नहीं हुआ राइट आई वॉज टोटली लॉस्ट मैंने कहा भाई क्या हो गया ठीक है राइट मैं आईआईटी कानपुर से छोड़ के बैठा था राइट आई वॉज सेलेक्टेड इन आईआईटी कानपुर एक सेमेस्टर प्रॉपर चल रहा था वहाँ पे ठीक है और मैं वहाँ पे छोड़ के बैठा ठीक है और उस टाइम मेरा जूनियर था ठीक है ये श्रीवास्तव ठीक है 2018 में ही वॉज माई जूनियर इन आईआईटी कानपुर जो इस साल अभी रैंक पर आया ठीक है आई हैव मेट हिम ऑल्सो इन आईआईटी कानपुर ठीक है राइट ऐसी हो गई थी राइट बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं सेम कॉलेज वगैरह में थे राइट ये आई हैव मतलब मैं इसको देखा है वहाँ पे ठीक है तो द फैक्ट इज़ कि आखिर वहाँ मैं वो चीज़ छोड़ के आया था और मेरा भाई प्री भी नहीं हो रहा था ठीक है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में ओरिएंटेड था मैंने कभी प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया और उसकी वजह से मैं भी आप जैसे या बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजह से लेट्स नॉट कीप यू इन दैट कैटेगरी क्योंकि मेरी ऑडियंस वो नहीं है ठीक है मैं बस जल्दी से कोई शॉर्टकट कोई करंट अफेयर मिल जाए जल्दी से हाँ ये कर लेता हूँ ये ठीक है और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ऐसे थोड़ी ना प्रोसेस होता है ये थोड़ी ना प्रोसेस होता है ठीक है एग्ज़ाम निकालने का आखिर लोगों का क्यों एग्ज़ाम निकलना है जस्ट बिकॉज सर मैंने उस रैंडम वीडियो को देख दिया नहीं भाई इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है और वो तरीका मुझे कैसे पता चला जब मैं रजत पंत से मिला राइट 2018 का याद है मैंने आपको स्टोरी भी वो सुनाई थी ठीक है उस बंदे ने क्या किया उस बंदे ने प्रोसेस को उसे फॉलो करता गया चुपचाप हर रोज 20 क्वेश्चन करता था हर रोज़ वो प्रॉपर इनसाइट्स के वो जो 5 क्वेश्चन है याद है मैंने आप सबको दिखाए थे उसके नोट्स और आज भी अगर आप देखो मेरे और उसके नोट्स बिल्कुल डिट्टो सेम है राइट जो हम रिवाइज इतनी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फैक्ट क्या है भाई सेलेक्शन होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देते हो तो जो भी स्टूडेंट कहना क्या चाहते हो आप सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस चीज़ में है ना सर कल क्या होगा ये होगा वो होगा भाई वो आपके हाथ में ना कभी था ना कभी है ना कभी रहेगा ना कभी था ना कभी है ना कभी रहेगा ठीक है सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ठीक है आई वुड लाइक टू ठीक है गिव अ शाउट आउट टू यू ऑल ठीक है राइट मेनी ऑफ यू हैव एनरोल्ड विद मी इन द दृश्यम
ठीक है, मैनी ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन द यूट्यूब चैनल वगैरह, ठीक है, राइट, फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, राइट, ये प्रोसेस पे हमने ध्यान दिया है, कभी रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं, और जब मैंने रिजल्ट के बारे नहीं सोचा, मैजिक हैपेंड, मैजिक हैपेंड। 4 साल पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोज़, आप, ये मेरा चैनल है, दिस इज माई चैनल, देखो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ वीडियोज़ अपलोड करता गया, मैं कभी किसी को पीपल प्लीजर तो बना ही नहीं, मैंने कभी रिजल्ट पे ध्यान तो दिया ही नहीं भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाने, अरे तेल लेने गए सब्सक्राइबर यार, मेरा एम था बस मुझे सबसे अच्छा पढ़ाना है, मुझे सब ये करना है, मैंने आज तक वो वीडियो नहीं बनाई, एंड देन मैजिक हैपेंड विद इन 3 to 4 months, राइट, या मैं अपनी स्टोरी से ट्रेस करता हूँ, ठीक है, पीपल स्टार्टेड गेनिंग, उनको लगा सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अच्छा बता रहे हो, ऐसे ही करते जाओ करते जाओ, देन वॉट हैपेंड, जनवरी में अनअकैडमी हायर्ड मी, अनअकैडमी दे पेड मी वेरी वेल, देन आई रियलाइज कि मैं और अपना खुद से कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ हाउ द PSIR क्लब एंड लेटर ऑन द सिविल्स क्लब वॉज बॉर्न, और आज मैं तब से अच्छा कर रहा हूँ। मैंने कभी भी आई नेवर फोकस्ड ऑन द सब्सक्राइबर, मैंने किए ही नहीं भाई, 741 वीडियोज़ हैं एंड देर आर 100 मोर वीडियोज़ जो कि मुझे हटानी पड़ी थी फॉर सम कॉपीराइट वगैरह, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, यानी मैं 800 से 900 वीडियोज़ बना चुका हूँ यूट्यूब पे, मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं, ठीक है। द सेम वे मैंने कोर्स में भी क्या कितनी वीडियोज़, इफ़ यू सी द कोर्स का वीडियो मैं डालता रहा, ठीक है, राइट, एंड देन वॉट डिड आई डू, मैं आई बिकेम फ्री, ठीक है, और यही चीज़ 22 में हुई, ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया इन 22, ठीक है, मैं ब्लैंक माइंड से, मैं तो जा ही नहीं रहा था सिलेक्शन के लिए, मेरा एम क्या था कि भाई पेपर आएगा, क्वेश्चन होगा, मेरे से होगा, मैं अपनी नॉलेज लगा के करूँगा, नहीं होगा आगे बढ़ूँगा, और भाई मेरे आंसर की से जब मैं दे के आया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे 114 नंबर बन रहे थे, अब आप सोचो, एंड आई वॉज श्योर मैं निकाल लूँ, ठीक है, सेम वे, ठीक है, जब मैंने 23 का पेपर दिया, ठीक है, मैं तो सिलेक्शन के लिए जा ही नहीं रहा था, मेरा एम तो था सर क्वेश्चन जैसा भी आएगा मैं उसे मेरिट पे जज करूँगा, होगा तो होगा, नहीं तो थैंक यू, आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तो प्रोसेस पे ध्यान दिया ना, मुझे तो तेल ले, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आंसर की क्या है, मुझसे होगा होगा नहीं होगा तेल लेने जाओ, ठीक है। 2017, 2018, 2019 में मेरे पास रिग्रेट था, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 27, अब उसके बाद से मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मैं कर सकता था कंट्रोलेबल, और वो आपने किया है, यू गाइज हैव शोड अप, तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, मैनी पीपल विल नॉट शो अप, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग अप, ठीक है, ये चीज़ मैंने रियलाइज करी, और कहते ना, ठीक है, लोग आते गए, कारवा बनता गया, ठीक है, अपने आप रिजल्ट वो कन्वर्ट होते गए, अपने आप वो कन्वर्ट होता गया, ठीक है। अब द मोमेंट मैंने क्या करता, जो पहले मैं कर रहा था, पहले मैं सिर्फ रिजल्ट पे था, मैं एंग्शियस था भाई, बी होगा तो सी होगा तो डी होगा, बस यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, मतलब कि वो जो हमें नोट्स बनाने थे, वो जो हमने इतने सारे, जैसे आप लोग देखते हो मेरे रिवाइज विद मी के नोट्स, क्या लगता है ऐसे ही एक दिन में बन गए होंगे, जब मैंने हजारों क्वेश्चन करे, उन हजारों क्वेश्चन करने के लिए मैंने वो जो एक्स्ट्रा वहाँ पे आंसर्स पढ़े, खुद से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, और ये सब आपने करा है, मेरे दृश्यम के स्टूडेंट तो सब ने करा है, राइट, रिजो, आकांक्षा, ये सब लोग, राइट, दे आर ऑल माई, मतलब श्रद्धा वगैरह, इन सब ने बनाया, ठीक है, तो बी हैप्पी फॉर दिस, ठीक है, और यही चीज़ मेरी यूट्यूब की भी जर्नी पे, आई डोंट केयर भाई यहाँ 16,000 है, ऑल आई केयर इज 741 वीडियोज मैंने प्रॉपर डाले, और आज आप देख लो 16,000 चैनल के साथ भी मेरे पेड कोर्स एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ बिकते हैं, और मेरे पास रिजल्ट्स हैं, 4-4 साल से जो बच्चे लगे हुए हैं मेरे साथ, यू नो चैतन्यगिरी, यू सी पूजा साहू, राइट, उसकी भी सबकी वीडियोस, यू ऑल नो यार, ये सबकी टेस्टिमोनियल, सब छोटे छोटे यहाँ पे पूजा साहू वगैरह, आप देखो ये, राइट, इसकी यहाँ पे जस्ट सी, छोटे से छत्तीसगढ़ के कौन से गांव से, राइट, आती है और वहाँ से कोर्स लिया, एंड सडनली सी आसाम, जहाँ मैं कभी सपने में जा भी नहीं सकता था भाई, वहाँ की ये लड़की है, ये प्रियंका कुमार अभी ASP बनी है, इंस्टाग्राम पे देखना, ठीक है, रिसेंटली अभी शादी में मुझे बुला रही थी, ठीक है, तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, हमें सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट गया तेल लेने, वॉट एवर बी द रिजल्ट, आई विल टेक इट एंड एग्जिट विथ नो रिग्रेट्स। 17, 18, 19 में मुझे रिग्रेट था यार, क्योंकि मैंने कभी शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, मैंने कभी क्वेश्चंस को उन तरीके से किया ही नहीं, मैंने कभी PYQs को एनालाइज किया ही नहीं, मैं भी ब्लाइंडली आपकी तरह इधर मटीरियल आ गया, वो वीडियो आ गया, ये आ गया, खैर उस टाइम तो फिर भी कम था, अब तो और ज़्यादा हो गया,
10 वीडियोस, 10 एनसीईआरटी के ट्रिक्स, ये कर लो वो कर लो। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, हाँ समझो राइट। सो व्हेन आई एक्चुअली मेट रजत पंत, राइट, रजत पंत के, राइट, यू हैव ऑल सीन दैट, मैंने आप सबको दिखाया है यहाँ पे रजत पंत के प्रीलिम्स के नोट्स, राइट, आप सबने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, राइट। उसने अपने पूरे यहाँ पे प्रीलिम्स के नोट्स भी शेयर किए, और ये मैं सब आप लोग के साथ मैंने यहाँ किया है 2018 में। मेरा बैचमेट भाई उस साल, इसके नंबर देखो, उस साल इसके प्री में नंबर थे, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके प्री में नंबर थे 130 समथिंग, ठीक है, और 2018 में मेरे प्री में नंबर थे 60। इसके मेरे से डबल नंबर थे, इस बंदे के मेरे से डबल नंबर, और ये मेरा क्लासमेट था। देखो सी एग्जैक्टली वैसे ही नोट्स आज आपको ये नहीं दिखता, ये किसके नोट्स हैं, ठीक है, राइट, ये ऐसे नोट्स किसके हैं, सर आप भी तो ऐसे ही बनाते हो, ये मेरे ही नोट्स, मतलब इन द सेंस मैंने इससे ही सीखा, दिस इज़ वॉट द प्रोसेस वॉज। इस बंदे ने कुछ नहीं सोचा, घर बैठ के प्रॉपर तैयारी करी। देखो इनसाइट्स के जो डेली क्विज हैं, ठीक है, राइट, ये क्या है, बी हैप्पी फॉर दिस, यू हैव डन दिस इंटायर ईयर के, देखो डेट पढ़ो 17-18 के, ठीक है, पूरे इसने इनसाइट्स के सॉल्व करे, पूरे मतलब करंट अफेयर, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, वॉज ही इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ आउटकम, दिस इज वॉट निष्काम कर्म इज, ये निष्काम कर्म होता है, ठीक है, राइट। और मंडे को संडे को यही डिसाइड होगा, जो बच्चा सिलेक्शन के लिए जा रहा है वो सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करेगा, जो बच्चा इस चीज़ से खुश है कि सर मैंने तो अपना सब कुछ कर लिया, आई गिव माई बेस्ट शॉट एट दिस, मैंने पूरी मेहनत करी, ठीक है, राइट, मैं सिर्फ फ्री होके पेपर देने जा रहा हूँ, अगर ईश्वर की मर्जी है होगा नहीं होगा समथिंग बेटर, एंड लाइफ कैन ऑलवेज बी ट्रैक्ड बैकवर्ड्स। और आज मैं वो जर्नी को ट्रैक करता हूँ जो 2019 में मैंने स्टार्ट करी थी। सी सो मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग, एंड एक्चुअली मेरे आप पास आर स्टूडेंट्स हैं टूडे, स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट स्टीफन्स, दे ट्रस्ट मी, राइट। सोचो सेंट स्टीफन जहाँ से हर साल 15-20-25 रैंक, तो ऑर्डनरी बात है, वहाँ पर जिसकी 20-25 के अंदर रैंक आती है उसको ज़्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि टॉप 10 में वैसे ही मारते हैं वहाँ पर रैंक, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, लगातार मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, राइट, वो क्यों हो रहा है, एक दो ही है वही वो वर्ड उनके, वो पूरे साल तक लगे रहे, ठीक है, इसी की वजह से आप पे ना प्रेशर आता है जब आप सिर्फ आउटकम पे इंटरेस्टेड हो, समझो योर लाइफ इज ऑलरेडी वेरी सेट, यू हैव नथिंग टू लूज, इवन इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड फॉर वट एवर रीजन, फॉर एन अमाउंट ऑफ रीजन, एन नंबर ऑफ रीजन की वजह से आपके पास सिलेक्शन नहीं होता, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया। वॉट इज वर्स्ट देन नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इज रिग्रेट, कि साला टाइम था टेबल पे बैठ के, राइट, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोज PYQs, इंस्टेड ऑफ लेट अस से स्टडिंग फ्रॉम दोज बुक्स, अंडरलाइनिंग देम, रिवाइजिंग देम, मैंने कुछ और किया, आई लुक्ड फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट, और ऐसे लोग को ही रिग्रेट होता है, एंड दैट इज वर्स्ट देन फेलियर, द वर्स्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिग्रेट, ठीक है, और वो आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले भाई आई सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, फॉर शोइंग अप, ठीक है, सी सैट के लिए क्या था दिक्कत थी, सी 10-15 टेस्ट दिए, सडनली यू शोड अप, सडनली शॉट अप, ठीक है, तो वही है, ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिग्रस ट्रेनिंग, वो मेरे हाथ में था ना, मैंने करवा दिया, ठीक है, आपके आपके साथ मैंने करा, बस अब कल कोई भी रिजल्ट हो ये तो कहने को नहीं होगा कि यार मैंने नहीं अपना बेस्ट दिया, नहीं, ठीक है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बट अगर आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचो, भाई कुछ भी आ गया ये है वो है, अभी हम फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, अभी मैं अभी आपको पेपर अटेम्प्टिंग पे भी 2-4 बात बोलूँगा, अभी मैं सिर्फ आपका ना माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ, वो आपके हाथ में है ही नहीं, और ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। वॉट इज़ इन योर हैंड्स वॉज द प्रोसेस जो आपने किया, यू रिवाइज दोज नोट्स, यू हैव मेड दोज नोट्स, आपने फाउंडेशन कोर्सेज के अपने नोट्स को रिवाइज किया, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए जितने दे सकते थे दिए, PYQs एनालाइज किया, ठीक है, एंड अपना ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स को दिया, तो आपके पास कोई रिग्रेट नहीं है, आप पे कोई लोड नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन, ठीक है, एक्सेप्ट टू योर सेल्फ। भाई मैंने तो किया ना, अपने अंदर झाँक के देखो, मैंने तो बेस्ट दिया ब्रो, ठीक है, आई गेव माई बेस्ट शॉट, ठीक है, जब कोर्स स्टार्ट हुआ था, राइट, तब भी मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा, राइट, आई शोड अप एवरी डे, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो सिलेक्शन करवाता है। अगर ऐसी कोई एक वीडियो देख के एक अंडरस्टैंड करके हो जाता ना, तो मेरे भाई हजारों लोग घूम रहे हैं, हजारों लोग, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट जो लोग अपने अंदर देख रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, दे आर इजिली
ईजली, आज नहीं तो कल सेलेक्ट हो रहे हैं, सिंपल एज दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है यार, एक बार कुछ इधर उधर लक हो गया, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरे तीसरे में हो जा रहा है। बट जो इधर से उधर भटक रहे कि सर मेरी ना दर्द को कम कर दो, आई एम सॉरी भाई, दर्द के बिना ना, ठीक है, ऑनेस्टली, ठीक है, राइट, देयर इज नो यू कैन से फुलफिलमेंट ऑफ एनी ड्रीम्स, वो सिर्फ एक ड्रीम है। ठीक है, कहते हैं ना, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, योर यू कैन से गोल्स एंड जो अचीवमेंट ऑफ, जो ड्रीम्स एंड अचीवमेंट होता है, इज दिस डिसिप्लिन, इज दिस हार्डवर्क जो आपने किया। ठीक है, अब दूसरी चाबी अब भगवान के पास है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को, कुछ नहीं होगा, संडे को क्या है, संडे कुछ नहीं है, एक नॉर्मल टेस्ट है, वहाँ जाना है और उस जगह जाके बस आपको वही बैठ के वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। बस आप घर में नहीं दोगे, आप एक घटिया से सरकारी स्कूल में दे रहे होगे, बस चीज यही होने वाली है। तो इसको इतना बड़ा मत बनाओ, एक नॉर्मल सा पेपर है, ठीक है, राइट, वॉट एवर बी द क्वेश्चन भाई, ठीक है, आप इस लेवल पे हो, आई नो माई ऑडियंस, हम लोगों ने इतना कर लिया है कि अगर पेपर टफ आया तो यू विल नॉट बी अनकम्फर्टेबल, इफ यू आर अनकम्फर्टेबल एवरी वन इज, एंड दिस एग्जाम इज रिलेटिव। इसीलिए देखो 23 में भी पेपर आया, ठीक है, राइट, आई वॉज थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल हुआ, ठीक है, राइट, कुछ क्वेश्चन में मुझे लग रहा होने दे, और पड़ोसियों को और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा अब वो उस प्रिपरेशन का वो जो लेवल है वो अब यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ भाई इस थॉट को आने ही मत दो अपने दिमाग में, क्या होगा, ठीक है, मंडे संडे को क्या होगा सर, अरे तेल लेने गया भाई, तेल लेने गया, इट इज़ जस्ट, अब एक वीडियो देखना मैं शेयर करूँगा, एक हार्ट सर्जन से जस्ट एक कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है, जस्ट बिफोर ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म अ हार्ट सर्जरी, ठीक है, ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है, उससे पूछा जाता है डॉक्टर, सो पेशेंट्स आता है तो पेशेंट से पूछता है, ठीक है, राइट, एक बूढ़ी होती है, ओह यू शोड अप, ठीक है, ओह यू शोड अप, ठीक है, हाफ ऑफ द जॉब इज डन, ठीक है, राइट, तो वो बूढ़ी औरत होती है, राइट, 70-80 की, वो बस कुछ नहीं बोलती है, ठीक है, फिर वो फैमिली से पूछता है उसके साथ जो खड़े होते हैं, डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, आई विल शो यू दिस वीडियो, सो आर यू नर्वस, उसके मतलब बेटे बेटे से पूछता है, आर यू नर्वस, ठीक है, राइट, डॉक्टर पूछ रहा है, वो सर्जन जो करने वाला है, ठीक है, बोलता है, उसका बेटा बोलता है, यस सर, अ लिटिल बिट, ठीक है, बोलता है, आई डोंट केयर, ठीक है, सडनली उसकी तरफ वो, फिर उसकी तरफ मुंडी देखता है जिसका ऑपरेशन करने आ रहा है बॉडी का, ठीक है, राइट, आई डोंट केयर बिकॉज आई एम नॉट, बताओ ऐसे आँख देख के बोलता है वो, आई एम नॉट, आई डोंट केयर व्हाई यू आर नर्वस, मैं थोड़ी ना हूँ, ऑपरेशन तो मैं करूँगा और बस हार्ट सर्जरी हो जाती है, ठीक हो जाती है, चली जाती है। यही तो कॉन्फिडेंस है। अभी कॉन्फिडेंस कैसे आया उस बंदे पे, जब उस भाई ने फिर उससे बात, और उसके बाद पूछे जाते हैं, बोलते तो बोलता है, मैनी पीपल थिंक इट्स अ टफ जॉब, नो, जस्ट द नॉर्मल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच वी हैव टू फॉलो, नाउ वी हैव टू बी रेडी फॉर सम काइंड ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ अबनॉर्मैलिटीज जो हो सकती है, बस वो नहीं हुई ना सक्सेसफुल। अब सोचो कर देगा कोई तुम में से हार्ट सर्जरी परफॉर्म, इट्स अ टफ जॉब बट फॉर हिम इट्स अ ब्रेड एंड बटर, हलवा है, हलवा, ठीक है, पेशेंट्स के मुंह में देख के बोलता है, आई डोंट केयर बिकॉज आई एम नॉट, मैंने इतनी तैयारी कर ली है कि मेरे लिए तो एक रेगुलर डे है सर, तुम एक हो, एक फिर एक एक सब्जी है, एक काट दिया, चलो अगली सब्जी आ गई, उसकी उसके हार्ट उसके चीर फाड़ करूँगा, फिर अगली के सब्जी के चीर फाड़ करूँगा, सिंपल हो गया, दिन खत्म, दिन में 6-7 हार्ट सर्जरी कर ली, बस चल हाँ, बोला मैं ये 40-50 साल से कर रहा हूँ, आई शेयर विथ यू दैट वीडियो, आई शेयर विथ यू दैट वीडियो, देखना वो मज़ेदार वीडियो है हार्ट सर्जन की, एंड ओपन हार्ट सर्जरी बिफोर द कन्वर्सेशन बिफोर एन ओपन हार्ट सर्जरी, भाई मज़ा आ गया मुझे, ठीक है, वो फेक कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कर रहा कि वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यहाँ से आएगी ये हार्ट, हमें ये कट करना है, ये आर्टरी को ऐसे जोड़ना है, इसको ये करना है, ब्लड प्रेशर ये टीम मॉनिटर करेगी, हार्ट रेट ये टीम मॉनिटर करेगी, एंड वट एवर बी दैट बायोलॉजिकल टर्म्स, हमारे पास टर्म्स है, वी हैव टू, हो या बाय बाय, सिंपल, ठीक है, और अभी अभी अब बोल दो भाई हमारी हार्ट सर्जरी होने वाली है, ठीक है, राइट, ये तो बस कल यही होने वाला है, ठीक है, परसों यही होने वाला है, ठीक है, फॉर सम इट विल बी अ केक वॉक, वाई, बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, जितना आएगा होगा, नहीं होगा ठीक बात नहीं, बट फॉर सम पीपल दे विल पैनिक बिकॉज दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिजल्ट विदाउट फोकसिंग ऑन, यू कैन से कुछ भी ये, विदाउट फोकसिंग ऑन द हार्ड वर्क, विदाउट फोकसिंग ऑन योर नोट्स, बस एंड दैट्स इट, बूम, वो इलिमिनेट हो जाएंगे, एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड,
कंपटीशन सिर्फ 15 से 20 हज़ार के बीच में, सिर्फ 20 या 25 हज़ार बच्चों के बीच में ही है, बाकी जनता कूड़ा है। ठीक है, चिंता मत करो, आप हो, आप 25 हज़ार में आते हो, मुझे पूरा पता है। मेरी ऑडियंस तो आती है भाई, मेरे जितने भी 16 हज़ार सब्सक्राइबर है, कोई गधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा भाई, मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया ना, क्योंकि यार ये कंटेंट है ही नहीं वाला, मेरा कंटेंट प्योर सिलेक्शन वाला है, एंड सिलेक्शन वाले पे आई कांट मेक इट एक्साइटिंग। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या किस पे वीडियोस पे व्यू आएंगे, मुझे नहीं पता क्या व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या कि अंडरस्टैंड क्या होता है, 2 मिनट में चाहूँ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आई कैन डू दिस, आई डोंट केयर, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा, उससे कौन सी ऑडियंस आएगी? वो सेंट स्टीफन्स वाली ऑडियंस आएगी है, सेंट स्टीफन्स या वॉट लेवर लेट ऐसे वट एवर DU की जो अच्छी ऑडियंस होती है, लीड ऑडियंस जो सेलेक्ट होती है, क्या वो ऐसे ऐसे देख के वीडियोज़ को आएंगी? नहीं भाई, प्रोसेस पे जो ध्यान नहीं दे रहा है वो आज नहीं कल मरेगा। ठीक है, एक पेपर में तुम कर दो, एक दो क्वेश्चन हिट हो जाएंगे, क्या एक दो क्वेश्चन से सिलेक्शन हो गया? ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखो। तो किसी को भी डर लग रहा है भाई, फियरलेस, बी फियरलेस, बी फियरलेस, आई एम ओपनली टेलिंग यू, जस्ट फोकस ऑन द नॉर्मल पेपर, जैसे आप सब ने दिए, आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने यहाँ बैठे बहुत सारे पेपर दिए, ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सोचना ही नहीं है कि परसों एग्जाम है, जो ये सोच रहा है परसों क्या होगा क्या होगा, तो भाई यू विल मैस इट अप, वहाँ जाओगे, कुछ ना कुछ ऊट पटांग सवाल आएंगे, ठीक है, बाउंसर्स आएंगे पेपर में आएंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, राइट, एंड देर वहीं पे लिटरली आपके हाथ शेक होंगे, सिंपल क्वेश्चन भी गलत होंगे, एंड बस बूम बूम बूम। ठीक है, सेम चीज़ फॉर सी सैट, सी सैट टफ है, टफ है, टफ है, टफ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन टफ आ रहा है, ईजी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आपको बस वो चुन चुन के मारना है उन्हें, बस 30-35 सवाल करने, ईजी 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 क्वेश्चन 40 कर लो, बस हो गया आपका, 3 मिनट मिल रहे एक सवाल करने के लिए। ठीक है, राइट, तो इस चीज़ को पहले समझो, प्लीज़ भाई मत सोचो रिजल्ट के बारे में, मत सोचो ये कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, राइट, यू गेव योर बेस्ट शॉट एट दिस, बी हैप्पी फॉर दिस, और मैं आपको पर्सनल लेवल पे आई सल्यूट यू कि भाई यू गाइस शोड अप। ठीक है, शोइंग अप वॉज मोर देन, मतलब 70%, आधे लोग तो नहीं दे रहे होंगे अटैम्प्ट भाई, और जो अटैम्प्ट नहीं दे रहे ना, इतने बड़े वाले हो ना, अगले साल भी सेम सिचुएशन आएगी, अगले साल भी सेम सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उनसे कि जो इनको ये डर है प्री हो गया मेंस नहीं होगा, सब हो जाएगा, मैं आपके साथ पर्सनली लगूंगा, पर्सनली अगर आपका प्री हो रहा होगा, मेंस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, राइट, क्योंकि मेंस तो प्योर हार्डवर्क है, प्री में तो फिर भी थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट एंड ये वो, मेंस तो बिल्कुल हार्डवर्क है, बिल्कुल हार्डवर्क, बिल्कुल गोबर बच्चों का मेंस होता है, वहाँ जो ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाता उसका नहीं होता, ठीक है, राइट, क्योंकि मेंस तो जस्ट वेरी स्टैंडर्ड, 70% पेपर तो आउट है, 70% पेपर तो मैं ही बता दूंगा मेंस में क्या आएगा। ठीक है, एज इट इज़ PYQ आते हैं, एज इट इज़, यकीन नहीं आता उठा के देख लो, मैं मेंस की तैयारी करूंगा, कोर्स लॉन्च करूंगा, देख लेना। ठीक है, एज इट इज़ PYQ, एज इट इज़, ठीक है, प्री में तो फिर भी थोड़ा सा सम लिटिल बिट ऑफ वो है। ठीक है, तो ये चीज़ को पहले यहाँ पे समझो। अब बात करते हैं इन द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, तो यहाँ इस फिलोसफी इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे द कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। देखो, एग्ज़ाम हॉल में समझो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हमेशा, इज़ दैट पेपर रिलेटिव है, पेपर हमेशा रिलेटिव है, तो विथ एवरी क्वेश्चन दैट कम्स, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना तुमसे, समझो, अब तो देखो फैक्चुअल वगैरह बहुत पूछ रहा है, बस एक बार ना अपनी मुंडी उठा के ये देख लेना कि तुम अकेले नहीं बैठे हो बेटा, तुम्हारे आसपास सब हैं, राइट, आई रिमेंबर 22 का पेपर तो मेरा सेंटर बरेली सेकेंड फ्लोर पे था, और वो हॉल था, हॉल और तो मुझे ऐसे मैंने मुंडी मिला, इतने बड़े लोग दिखाई दे रहे, तो सबके लिए है, सबके लिए है वो, ये चीज़ ध्यान रखो, सबके लिए, एग्जाम इज रिलेटिव, एग्जाम इज रिलेटिव, एंड सेकेंड, एग्जाम इज लॉन्ग, एग्जाम इज लॉन्ग, एक क्वेश्चन डज नॉट डिसाइड, 100 क्वेश्चन का मैक्सिमाइज्ड स्कोर प्लस 66.7 या 70 मार्क्स जो भी कट ऑफ है सी सैट गेट्स यू अ प्लेस इन मेन्स। आई डोंट केयर भाई, तू पॉलिटी के 50 क्वेश्चन कर, 30 क्वेश्चन कर, 20 छोड़, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। सो प्लीज़ फॉर हेवन सेक, मैं ये हमेशा बता चुका हूँ, कीप योर ईगो असाइड व्हेन यू डू द पेपर, कीप योर ईगो असाइड व्हेन यू डू द पेपर, राइट, इफ़ यू कैन ऑल सी द स्क्रीन्स, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड, क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या अभी तक, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी थी क्या, डिडेंट आई शेयर माई स्क्रीन विथ यू,
नो अच्छा सर। सॉरी फॉर दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, यू शुड हैव आस्क्ड ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, ठीक है राइट। तो मैंने सबसे पहले आपको वो बताया था राइट, आई हैड शोड यू, आई हैड शोड यू, देखो जो रजत पंत के वो जो प्री के नोट्स थे यहाँ पे, ठीक है राइट। सी उस बंदे ने 2017 में यही प्रोसेस की और मैंने भी किया, आप सबको यही प्रोसेस करवाया, सेम प्रोसेस मेरा 22 में हो गया, 23 में हो गया राइट, यही प्रोसेस था एज इट इज़। वो बंदा हर रोज सुबह उठता था, 5 क्वेश्चन करता था, सो जाता था, फिर इनसाइट्स और वो नोट्स बनाते गया बनाते गया। अब तुम ये नहीं बोले सर आपके भी तो ऐसी नोट्स हैं, रिवाइज विद मी सीरीज सबने फॉलो करी है ना, ऐसी तो नोट्स हैं बताओ, और आप सबके भी ऐसी नोट्स हैं इन्वायरमेंट के, इकोलॉजी के, मिसलिनियस के, सम टेस्ट के, देखो सम मोर टेस्ट, देखो याद है हमने भी आप लोग के साथ ऐसी 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 डिस्कस की रिवाइज विद मी के 4 MIS का टेस्ट 1, देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये वही बनाते गया बनाते गया बनाते गया, ऐसी 4 MIS का टेस्ट 2, 4 MIS का टेस्ट 3, वाजीराम का टेस्ट 7, याद है ऐसे ही डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, GS कोर का टेस्ट करा, बस ये क्या है, ये प्रोसेस है भाई, और इसी चीज़ की मैं वैल्यू करता हूँ, बाकी सब इस बुलशिट कॉन्सेप्ट जो कभी भी सही नहीं है, प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको राइट ठीक है। और नाउ कम्स द व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ दिस, आपका पेपर, दैट पेपर इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव फॉर, मेरे सेट में पहले ही ये खुल गया, अब कि भाई ये आ गया फॉर एग्जांपल दिस, ये आ गया ये वाला क्वेश्चन, अब पहले ही खुलते भाई कौन सा वाला ये ध्यान का टका फटका रहे, मैंने कहा तेल लेने जाए ना फॉर हेवन से, एक नहीं कर रहा कोई बात नहीं आगे बढ़ता हूँ, ओ ये क्वेश्चन मुझे आता था मैंने कर दिया, इजी है, डरना नहीं है, हिस्ट्री पहले आ गई, कोई कोई कई पोहम पुहार ये मुझे पता था पुहार, मैंने पोर्ट लगा दिया, दो कर दिए, डरना नहीं है, ये कौन सा वर्री कुटकाल फुटुकालता नहीं है छोड़ दिया, घोसाला गदा वाला नहीं आता छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देव चरेंद्र गुप्ता छोड़ दिया कोई बात नहीं, रिमेंबर क्या सबको ये पता होगा, हैं चारों के प्लस ऑप्शन ऐसे थे, एग्जैक्ट यही सेट था मेरा, एग्जैक्ट सेट, अब ये सोल्स वाला इजी वाला मिला मैंने कर दिया, फिर उसके बाद ये देवराय विजयनगर नहीं पता था छोड़ दिया, किस बंदे ने गोवा को सरेंडर किया वो छोड़ दिया नहीं पता, अरे ईजी क्वेश्चन मिला कर दिया, ठीक है राइट। तो सी हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ते बढ़ते ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेरी नज़र में तो ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ था, UPSC ने दे दिया, चलो कोई बात नहीं मैंने कर दिया, ठीक है ये मुझे ज़्यादा नहीं था, लास्ट में लौट के आऊँगा नहीं आ पाया नहीं आ पाया, सी हिस्ट्री वॉज गॉन, आ गया पॉलिटी, ईजी क्वेश्चन मिला कर दिया, सिंपल सिंपल, ये आता था फर्स्ट टेन 42 में, आई मार्क्ड 42, UPSC ने काट दिया कोई बात नहीं कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला इजी NCBC था कर दिया सिंपल, ये आता था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाला सिंपल था मुझे मिला कर दिया सिंपल, ये 18 वाला वाइल्ड रिजर्व वाला नहीं आता था छोड़ दिया, बस ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, दिस इज हाउ आई एम परफॉर्मिंग द हार्ट सर्जरी, ये हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ, जो आ रहा है कर रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहते हो, ये YouTube वाले जितने भी ये बरसाती मेंढक और अंडरस्टैंड फंडरस्टैंड कि सर इसमें ना आप पैदा कर दो, अरे कैसे पैदा कर दूं यहाँ पे, कि विच सोचो सोचो, अब जबरदस्ती दे आर ट्राइंग टू मैसेट अप करने ये क्वेश्चन, बट पहले देखो तो कितना हो रहा है, जबरदस्ती का आप वो चीज़ अपनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपसे हो रहा है जहाँ पे नहीं हो रहा, पहले एक राउंड लगाओ तो पेपर का, जो आ रहा है करते जाओ करते जाओ, सब मशरूम वाला आया कर दिया ठीक है राइट। अब ये इन्वेसिव एलियन स्पीशी वगैरह पता है एक थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा था, IUCN है मैंने ले लिया कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि मैं IUCN ही पढ़ता हूँ ये जितना सब होता है, बस इंडियन स्क्वायरल जो आता था कर दिया, बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई ये सब नहीं आता था नहीं करा, वैगल डांस छोड़ो, सम माइक्रो सम 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 कर दिया, झेलम वाला मुझे आता था कर दिया, मी एंडिंग पे रिस्क लेना था 2 ऑप्शन पे ला के कर दिया, मैं लकली मेरा सही हो गया, करमजार पोटे मुझे आता था कर दिया, और उंगुटान नहीं आता था छोड़ दिया, 30th का ये लुब्रिकेंट डुब्रिकेंट था मैंने डी मारा, आई थिंक आंसर सी है पता नहीं बट कर दिया, तो यही तो है भाई, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, और आप इसमें बिलीव ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो सर अब आप कुछ कुछ नया करो, सर पेशेंट मरेगा, पेशेंट मरेगा अगर तुमने वहां पे नया कुछ कर दिया, कुछ नया कर दिया, क्योंकि आपने कभी टेस्टों में जब नया किया ही नहीं है, सर आज तो यार ना आज लेफ्ट आर्टरी की जगह राइट वाली काटते हैं, आज देखते सर राइट वाली आर्टरी, अबे लेफ्ट की जगह राइट आर्टरी काटनी थी तो किसी डेड बॉडी की काटता ना पहले, ठीक है लाइव एग्जाम में राइट आर्टरी को काट देंगे, हैं दैट इज़ वाई पीपल डाई, और आप ये कैलकुलेट करना, मैं तो यूट्यूब पे सॉल्व ही गया, आराम से बन रहा था यार 80-90 नंबर तो आराम से आ रहे थे, 95-96 तो मेरे ही थे, आराम से बन रहे थे नंबर, और UPSC ने 2-4 आंसर की तो अलग ही नशे में दे दी, ठीक है छोड़ो वो भी रिलेटिव है, तो ये चीज़ को समझो, दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई सॉल्व द पेपर इन एग्जाम,
आई डोंट गिव अ सिंगल एफ। मेरी नज़र में पेपर रिलेटिव है, सेकंड पेपर लंबा है, लंबा 2022 में मुझे पता चला, 90 से 100 के बीच में 12 क्वेश्चन, 88 से 100 के बीच में मेरे 10 सही थे। जो स्कोर मेरा 90-95 पे रुक रहा था, 105 हो गया, प्लस 10 IFOS भी निकल गया। ठीक है, तो प्लीज़ भाई लास्ट तक, सेकंड लेसन जो हमने लिया है, फाइट करना है हर एक क्वेश्चन पे अपने मेरिट पे। रुक जा भाई, अभी हिस्ट्री आई है ना, अभी पॉलिटी भी आनी है, अभी ज्योग्राफी भी आनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ मैं, इस पेपर के इस क्वेश्चन को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ कि लिटरली आपसे 40 सवाल ना हो। सर आप तब भी नहीं डरोगे? मैं तब भी नहीं डरूंगा क्योंकि 60 अभी भी बचे हैं। अगर मैं सारे टफ क्वेश्चन को इसी पेपर के अरेंज कर दूँ 1 to 40 और फिर दुलो करो पेपर, ठीक है, पैंट गीली हो जाएगी, 40 सवाल तक तुम जीरो कर पाओगे? मेरी नहीं होगी भाई, क्योंकि मैं 41 का वेट करूँगा, मैं 42 का भी वेट करूँगा। आई नो आई हैव दिस केपेबिलिटी कि मैं 60 के 60 भी सही कर दूँगा। ठीक है, 120 तू दे तो क्वेश्चन, और कट ऑफ कितनी जा रही है? 75। ठीक है, सही साइड की वजह से आप नंबर और बढ़ा लो, 80-85, इससे ऊपर थोड़ी ना जा रही है। यानी मैं अब भी 40 नंबर ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये सब अपने माइंड को वहाँ बोलना है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि नहीं भाई रुको जरा, रुको जरा, कहता ना वो हिंदुस्तानी बाबू वाला मीम है, यही गेम है। ठीक है, राइट, तो पैनिक तो करना ही नहीं है एग्जाम में, जब तक कि वो लास्ट घंटी नहीं बजती या जब तक कि मैं 100 क्वेश्चन नहीं देख लेता। अब बताओ इकोनॉमी बची थी, ये स्टरलाइजेशन वाला बेसिक क्वेश्चन, अब तुम्हें ये भी नहीं आता तो यार तुम बेकार हो यार, फिर तुम 25,000 वाली ऑडियंस नहीं हो, फिर तो तुम वो अंडरस्टैंड और वो वाली ऑडियंस हो जो वो सोचती है कि सर ये भैया हमारा निकलवा देंगे, घंटा निकलवा देंगे, वो अपना नहीं निकाल लेते, वो निकलवाना होता तो है ना। अब तुमसे ये स्टॉक मार्केट ट्री बिल गलत हो रहे तो फिर तुम बेकार ऑडियंस हो यार। ठीक है, राइट, तुमसे ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे, सिक्योरिटी इनकम टैक्स और ये, तो बेकार है। हाँ, ये कार्बन मार्केट सबसे गलत हुआ, ठीक है, ये मेरा भी गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, तो ये रिलेटिव नहीं कर रहा स्कोर, स्कोर रिलेटिव कहाँ बन रहा है? स्कोर रिलेटिव बन रहा है आपका जो इजी क्वेश्चन है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, दिमाग लगाना था वहीं सिंपल हो रहा था, क्या है इसमें बताओ? ठीक है, राइट, नाइजर वाइजर खारिफ क्रॉप नहीं पता था, छोड़ दिया, हटाओ, जबकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग भी रहा था बट नहीं करा मैंने। ठीक है, राइट, तो जो जहाँ ईजी सवाल आ रहा है मैं वो छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, राइट, और जो टफ आ रहा है वो मैं फालतू में अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, और बहुत ही ईजली यू विल फाइंड पेपर क्लियर हो रहा है, सिंपल। तो अपने आप को हमेशा ये चीज़ बोलो। अच्छा, अब एक चीज़ और, बहुत बच्चे कन्फ्यूज है सर कि सर हिस्ट्री ज़्यादा आ गई है, आ गई वो, आ गई आ गई, भाई लक का एलिमेंट नहीं है। वॉट इफ नहीं आया तो? हो सकता है तुम अभी कुछ पढ़ रहे हो, एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, एग्जाम में नहीं आया तो समझो देर इज एन एलिमेंट ऑफ आपने क्या पढ़ा एंड क्या चीज़ वो एज इट इज छप गई। सो कीप रिवाइजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं लास्ट दिन पढ़ना छोड़ दे, नहीं, वही बेसिक चीज़ को, वही नोट्स को, अपने ये प्रीलिम वाले जितने हैं ये नोट्स, इनको रिवाइज करते रहो इनको, इन चीज़ को कीप ऑन रिवाइजिंग देम, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस टेस्ट एंड ऑल। ठीक है, यू नेवर नो क्या फंसे, यू नेवर नो क्या फंसे, वही एज इट इज फंस जाए। याद है लास्ट ईयर को फॉर को वर्ल्ड, को फॉर कॉन्गो, डायरेक्ट फंस गया एग्जाम में, दैट वॉज अ टफ क्वेश्चन बट मेरा सही था। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा यार ऐसा, जैसा कि आप लोगों ने इसको एक बना दिया, अरे इट्स अ डे ऑफ द लाइफ, इट्स अ एक्ट। ठीक है, राइट, तो कोई क्वेश्चन ना हो, चलो चलो आगे आगे, स्किप स्किप, हाँ हाँ चल आगे बढ़, चल आ आगे बढ़, जैसे बकरी को नहीं चलाते, चल चल आ आ आगे चल, आगे चल, चल आगे चल, आगे चल, आगे चल, अब ये मिल गया आसान क्वेश्चन, ये कर दूंगा मैं। ठीक है, राइट, दो ऑप्शन दिया था तो मैंने करा, 44 चेस ओलंपियाड मर्चिक का, हट यार हटा। ठीक है, राइट, अब ये सूदान उदान कॉटन यार, ये सक्सेसफुल कूप पता था, मैंने कर दिया। ठीक है, राइट, ये था सो हैवी इंडस्ट्री, कौन कौन से सिग्निफिकेंट रोल लगाओ, और लगा दिया। ठीक है, राइट, यहाँ मुझे अब ये अलेक्जेंडर री और ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ये तो आई मार्क दिस, ये आर्कियोलॉजिकल वाला, ये मुझे पता था। ठीक है, राइट, बेंसार भज सीधे पता था, ये दोनों एक मैंने रिस्क लिया, ठीक है, और ये मेरा सही हो गया दो ऑप्शन में ला के। ठीक है, ये चीज़ एग्जैक्टली मुझे पता थी कि G20 है, G20 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी है, मैंने कर दिया, सही हो गया, सिंपल भाई। पेपर को ध्यान से देखो, ठीक है, राइट, मान रहा हूँ टफ है बट ऐसा थोड़ी ना है सब टफ है, यही झूठ आपको यूट्यूब पे बेचा गया है, सिर्फ टफ क्वेश्चन दिखा दिए और लेटा दिया, दो क्वेश्चन जहाँ ट्रिक लग रही है लगा दिया, हो गया सिलेक्शन दो में। नहीं भाई, ऐसे हो रहा होता ना सबका होता,
सबका होता है, ये सब जब बैक ट्रैक किया जाता है तब होता है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप को पूरी शिद्दत से आप उसे ट्रस्ट करो, यू विल गेट इट, दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई प्रॉमिस। तुम आराम से एग्जिट करोगे विथ नो रिग्रेट्स, ठीक है। जितना आता लेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में कभी भी पेपर नहीं हो रहा हो, वट एवर, फॉर एक मिनट रुकना, मेरी बातों को याद करना, पेपर इज रिलेटिव, पेपर इज लॉन्ग, पेपर इज रिलेटिव, पेपर इज लॉन्ग, मुझसे नहीं हो रहा सबसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा सबसे नहीं हो रहा, ये बोलना है। उठा लो, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, तुम में से किसी से, ठीक है, या राइट, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये गलत हुआ, पता था तुम्हें, ये बच्चों हर एक का गलत हुआ ये दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट जिस बंदे ने जाके देखा होगा और उसे याद रहा होगा, देखना नहीं है, वही ये कर सकता था, गारंटी बता रहा हूँ। अब ये स्विट्जरलैंड वाला, ये मुझे पता था डायरेक्ट, मेरा सही हो गया, ठीक है, राइट। ये अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला आसान सवाल, ये मेरा सही हो गया, ठीक है। ये एक मेरे स्टूडेंट को पता था दैट 7th August ये है, तो उसका सही हो गया, मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया, सिंपल, मैं कहीं और निकाल लूंगा नंबर, ठीक। तो ये चीज़ को आप समझो, दैट इज हाउ क्वेश्चंस विल बी डन। अब ये एस आर एम ब्रो एच पी सीधा फंसा था, मेरा पूरा सही हुआ, बच्चों का गलत हुआ है, मैनी पीपल गॉट दिस रॉन्ग, दे डिड, बस, ठीक है। तो यही पेपर है यार, यही ऐसे ही निकलता है इन एग्जाम, इस एग्जाम में, ठीक है। वोलबाचिया मेथड मुझे डायरेक्ट पता था, मैंने कर दिया, ठीक है, कैलकुलेट कर लो नंबर, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है। ओनली इफ यू डोंट मैस इट अप बाय एक्सेसिवली नॉट डूइंग समथिंग विच वर यू आर नॉट सपोज टू डू, बाय डूइंग समथिंग विच वर यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में काम रहने का बस दो ही मंत्र है, पेपर इज रिलेटिव, पेपर इज लॉन्ग, बस, बार बार सबको बताना है, बार बार अपने आप को ये चीज़ बतानी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब ठीक है, तो मैंने मतलब एंग्जाइटी वाला चीज़ तो बता दिया, ठीक है, राइट, मैंने आप लोग को ये बता दिया, अटेम्प्टिंग का पेपर आप सबने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली है, वो मैं कुछ नहीं बताऊँगा, जो आपने करा है वही करना है, एज आई हैव सेड इट्स अ ओपन हार्ट सर्जरी, यू डोंट नीड टू डू समथिंग यूनिक यहाँ पे, ठीक है, राइट। कीप स्टडिंग बेसिक, अपने नोट्स को बेसिक, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बार 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 रिवाइज करना है, ठीक है। और अपने आप पे यकीन रखना है, एग्जाम में आप ही के हाथ में गोला होगा, यू विल बी फीलिंग योर, ठीक है। एंड ये सब जितना है एवरीथिंग लाइफ ना, कहते हैं ना स्टीव जॉब्स, इट कैन बी ट्रेस्ड बैकवर्ड्स। आज मैं देखता हूँ 2019 में, तो सी दिस वॉज वॉट वॉज डिस्टाइंड फॉर मी एंड आई एम सो मच हैप्पी, मैं आराम से अपने घर में रह रहा हूँ, आई एम गाइडिंग ऑल दी एस्पिरेंट्स, ठीक है। एग्जाम भी मेरा काफ़ी हद तक निकला है, राइट, और धीरे 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 वो कारवा बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। मैं अपने प्रोसेस पे, बट द डे अब मैं सब्सक्राइबर पे फोकस करूँ, भाई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे यार, ठीक है, उस दिन क्या करूँगा, मैं अपने ट्रैक से भटूँगा, ठीक है, राइट। सब्सक्राइबर मैं ले आऊँगा, मुझे पता है यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, 4-5 साल से हूँ यार, ये सब बिन पहने के लौटे तो तब थे भी नहीं, ठीक है, बट ठीक है, राइट, जस्ट बाय अपलोडिंग सम काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है, दे गॉट द अट्रैक्शन एंड वो, बट दे विल नॉट गेट द रिजल्ट्स, रिजल्ट आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है निकलते ही कोचिंग में सबसे ज़्यादा गाली क्यों पड़ती है, ठीक है, तो वैसे ही आप मेंस में भी दोगे कि भाई ये तो था ही नहीं, मेंस का देखना, मैं कोर्स जो कराऊंगा ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली मार्केट से तो बिल्कुल अलग कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज दैट विल फोकस ऑन व्हाट इज़ द प्रोसेस, नॉट व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया, हाउ टू रिमेन काम, हाउ टू रिमेन कूल। एक दो चीज़ और बता दूंगा, दैट प्लीज़ अपने साथ थोड़ी सी 5-स्टार की चॉकलेट वगैरह ले जाना, इन केस कभी एग्जाम में लगे तो थोड़ा सा यू कैन ऑलवेज हैव दोस इक्लेयर्स ले लेना, एक दो इक्लेयर्स, दैट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है, थोड़ा मीठा खाते तो अच्छा लगता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, थोड़ा ठंडा पानी अपने साथ डेफिनेटली रखना, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करता था, एक रात पहले ही मैं बर्फ़ को जमा लेता था, स्पेशली फॉर द नॉर्थ साइड पीपल, ठीक है, नॉर्थ साइड पीपल में क्या है, एक रात पहले बर्फ़ को बोतल को भर के फ्रीजर में डाल दो, सुबह निकाल लो एंड टेक इट ऑन द सेंटर, पूरे शाम 4 बजे तक बर्फ़ धीमे 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 पिघलती रहेगी और ठंडा पानी मिलता रहेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये काम भी कर सकते हो, हालांकि सेंटर पे मिलता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, बस, ठीक है। अपना ना इसको एक बड़ा मत बनाओ यार, डोंट मेक दिस डे अ बिग, आई अश्योर यू वॉट एवर टेस्ट यू हैव सॉल्व पेपर इनमें से ही होगा, और अगर तुम्हारे लिए टफ है तो भाई सबके लिए टफ है, तुम नहीं कर पाओगे ना तो कोई नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी हूँ भाई, तू इस पेपर में आ जाओ, इस पेपर में तू मेरे को कोई क्वेश्चन बोल, अगर मुझसे नहीं हो रहा ना भाई ये माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, तो गारंटी बोल रहा हूँ भाई,
ये बहुत कम परसेंटेज में होगा। और रिमेंबर 13,000 की सीट है, 13,000 में तो मैं आ ही जाऊँगा। सिंपल ठीक है, हो रहा है 100 बच्चों से, 1,000 से हो रहा है, 1,000 से हो रहा है ना, कोई बात नहीं भाई, बट 12,000 से तो नहीं हो रहा है, गारंटी है भाई। बाद में आंसर देके सब बता देंगे, बाद में आंसर देके सब बता देंगे। एरियल मेटा जेनोमेंट मिक्स, ठीक है, बाद में आंसर देके बैक ट्रैक करके सब लगा देंगे। नहीं हो रहा था वहाँ पे मुझसे, स्किप स्किप, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है राइट, अब ये वाला हो रहा था, कर दिया ऑल थ्री लगा दिया मैंने, ठीक है राइट। ये पी वे वेस्ट वेव एक स्टैंडर्ड सवाल, कर दिया वहाँ पे, ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, नन 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 लगा दिया मैंने, ठीक है बस। बोल बाचिया मेथड मुझे पूरा पता था, मैंने कर दिया, ठीक है। ये कार्बन फाइबर्स मुझे आ रहा था, कर दिया, सिंपल, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कार्कोलेजन ये मुझसे आ रहा था, कर दिया। एनीमिया मुक्त भारत वाला नहीं आ रहा था, नहीं करा, ठीक है। तो मेरे देख रहे हो वही है, जजिंग प्लेइंग द बॉल ऑन द मेरिट, ठीक है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर भी बैटिंग करता है, दिस इज हाउ एग्जैक्टली, ठीक है राइट, सचिन तेंदुलकर बैट्स। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ना वॉली, मतलब हर बॉल पे चौका मारना है। एंड सेवाग ऑन दी अदर हैंड, हर बॉल पे चौका मारना है बस। यू विल फाइंड सेवाग जल्दी आउट हो जा रहा है, सचिन आराम से बैट कर रहा है, लंबा लेके जा रहा है खेल, सिंपल हैज दैट। समझो ना, वाई इज द सचिन तेंदुलकर, 200 टेस्ट मैच किसी ने नहीं खेले हैं, तो जो ज़्यादा लंबा खेलेगा, जो ज़्यादा लंबा टिकेगा, वो ज़्यादा लंबा रन बनाएगा, सिंपल एज दैट। और जो एग्जिट जल्दी क्विक जल्दी से पीस नंबर पसना एक्चुअल, उतनी जल्दी एग्जाम से निकलोगे, उतनी जल्दी ही निकलोगे, ठीक है। तो लाइफ इज हैज़ टू बी लिव्ड इन मोमेंट्स, और वही हमने आज यहाँ करा है इस पर्टिकुलर कोर्स में, एंड वट एवर मेरे जो प्रोसेस है, जो मैं बिलीव करता हूँ, वही मैंने करा, और वही आपको कल करना है। कुछ भी नया नहीं करना, मैं वो वाली वीडियो भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दैट वीडियो, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज़ है यहाँ पे, राइट। मैं जल्दी से आपके साथ यहाँ पे वो वाला इंटरव्यू भी, हार्ट सर्जन इंटरव्यू बिफोर द, ठीक है, सर्जरी, ठीक है राइट। जस्ट गिव मी वन मिनट, ठीक है राइट। अगर आप यहाँ पे लिखोगे दिया, ये देखो एग्जैक्ट आ चुका है, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, ठीक है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, ओके ओके, सॉरी फॉर दिस, बस सेकंड देखो, ठीक है। जस्ट एक मिनट तुम देखोगे, यू विल रियलाइज कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हियर इट इज, आई फील दिख रही होगी आप लोग को, अब दिख रही होगी, ठीक है। सो अ डे इन द लाइफ ऑफ द हार्ट सर्जन, ठीक है राइट। 4 मिनट की वीडियो है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आ दिख रहा है एवरीथिंग, दिख रहा है, आवाज आ रही है क्या इसकी, Okay, 6 a.m. right on time. दिख रहा है? It's the story of my professional life getting to the hospital. सर दिख तो रहा है, आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. Is the voice not coming? ठीक है. Is the voice not coming? Voice नहीं आ रही क्या? ठीक है. All right. अब आएगी. आएगी आएगी आएगी. Wait wait wait. I have everything. Don't worry. I have lots of alternative. ठीक है. Don't worry. I will play the video on iPad. ठीक है. Right. And then I will show you that. Don't worry. ठीक है. A day in life of हार्ट सर्जन, जस्ट वेट ना, हार्ट सर्जन ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर दिस बिग थिंग, हार्ट सर्जरी है भाई उस दिन, ठीक है राइट। अब दिख रहा है सबको, इज द स्क्रीन विजिबल, यस सर। अब मैं प्ले करूंगा, वेट 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 वेट, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट वन सेकंड, जस्ट पुट ऑन द डार्क एंड गेट गोइंग होम। ओके, 6 a.m. राइट ऑन टाइम, it's the story of my professional life getting to the hospital in the dark and going home in the dark. We have surgery this morning. We operate most mornings. We're doing open heart surgery on a patient this morning, a minimally invasive mitral valve repair. Do a little incision in the side. Yes, sir. Just watch this. Ready to go. Patients are nervous before open heart surgery. It's pretty understandable. ये तुम खड़े हो, ये तुम खड़े हो एग्जैक्ट उस दिन पे, देखो देखो, जस्ट वॉच दिस, जस्ट वॉच दिस। But I always tell them the important thing is I'm not nervous. I'm not nervous. अब देखो पेशेंट। Good morning. So you showed up, huh? That's half the battle. Just showing up is half the battle. Yeah. You all set for today? So it's just like we talked about in the office. We're going to work on fixing your mitral valve. We're going to do a little 2-inch incision in the side. Yeah, everything is favorable for that. Yeah. So just like we talked about. अब देखना सर्जरी हो गई. So anything go on last night I need to know about? अभी देखना. No major issues. Yeah.
Okay. No major issues. Well, let's go down to the ICU and we can review the patients that are there. Okay, good morning, everybody. What's the plan? The plan is to, if we can get the tubes out to them, maybe keep the wires another day. Okay. And send them upstairs. Can you go upstairs today? Or yes. Okay, very good. Any issues we need to take care of before I go to the operating room? No, sir. No. Okay, no. All righty. Mm-hmm. All right. All ready. Have a good day, and I'll catch up with you on the floor after surgery. Okay, okay. Thanks. Ab dekho. Surgery is done. Abhi dekhna. The operation is like a well-choreographed ballet where a lot of everyone knows their role. And the technicians and the scrub techs and the perfusionists who run the heart-lung machine, all these people are very sophisticated. They all know exactly what to do. So the environment is very controlled. It's very pleasant. We actually listen to music. We actually listen to music. ये बंदा गाना सुनता है हार्ट सर्जरी के वक्त, ठीक है? That we listen to is always a question. If we're up to me, I listen to classical music. Classical music. But I've got a lot of 20-somethings and 30-somethings in there that if they listen to classical music, they get bored. So in order to keep them happy, I listen to rap or hip-hop and a lot of pop music. If you do something 1,000 times or 10,000 times, you get the sequence in your mind. This is the line I was waiting. If you do something 1,000 times, the sequence gets in your mind. Suno, aage suno. The only thing you have to do is be ready for unexpected circumstances, which in a case like this would be very, very unusual. Dekha, the only thing you have to be ready is for the unexpected circumstances, jo bahut kam honge, wahi final day exam mein. Aage dekho. So I've got these special magnifying lenses on called loops, and it allows me to see inside. They magnify 3.5 times, so everything looks very big and very close, and it helps us to evaluate valves and coronary arteries. Okay, well, we're all finished. Surgery's over. Everything went fine. We were able to fix the patient's valve to a little 2-inch incision. He was stable through the whole time, and I'm completely satisfied. So now let's go give the family the good news. Bless. Okay. Everything went great. Yeah, we're all done. The operation was nice and smooth. Everything went fine, okay? The nurses will give you a full briefing on what to expect once you see him in the ICU. Okay? All righty. Okay, we'll talk later. All righty. Okay, well, the first case is over and had a successful completion, so I'm pretty satisfied. One thing about cardiac surgery is that every day is a new day. It's exciting. I've never been bored a single day in my entire career. So all in all, it's a pleasure and it's an honor to operate on patients and be entrusted with their care. Dega, exactly is bande ne heart surgery ko kitne easy tarike se, ठीक है, कितने इजी तरीके से भाई इसने इतने बड़े दिन को कर दिया हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट। मेरे तो सुन के ही ओपन हार्ट हो जाए कि भाई तुम्हारी ओपन हार्ट होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस इज, दिस इज़ व्हाट कामनेस इज। एग्जैक्टली यही होगा भाई उस दिन भी, ठीक है। द वन हु मैसेज अप वहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट वॉल खोल दिया तो पेशेंट गया। बट वन हु ट्रस्टेड सेल्फ, तो भली गाने बजे बाने बजे जो भी हो, ठीक है, आसानी से आप यहाँ पे ले जाओगे एंड आप वेरी इजली, वेरी 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 इजली यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है, राइट। सो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। इस वीडियो को एक दो बार और देखना वेन एवर, मतलब मुझे कभी भी डाउट होता है, दिस इज़ वन ऑफ माई वीडियोज़, मैंने बहुत बार देखी है, बहुत बार, ठीक है। दिस इज़ वॉट लाइफ इज, एग्जैक्टली ऐसी होता है। और इससे बड़ी चीज़ तो मैं तो नहीं करता यार, ओपन हार्ट सर्जरी से बड़ा क्या हो सकता है यार। किसी की जान में तुम हार्ट काट रहे हो और वो सब कर रहे हो, भाई माफ़ कर दो, ठीक है। मुझे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता है, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी से तो ईजी है ना, कल का एग्ज़ाम परसों का डेफिनेटली भाई 6 अटैम्प्ट दे रहे हैं, वहाँ 6 अटैम्प्ट नहीं मिलते भाई, एक कट और बंदा अगला जन्म, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली मैंने आपके सामने रखा, आई गेव माई बेस्ट, ठीक है, और आपने भी बेस्ट दिया है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, कुछ और नहीं करना है।
सेम इज़ फॉर सी सैट ऑल्सो, जो हम कर चुके हैं, जो आपने प्रोसेस रिपीट करा है वैसे ही जाना है। दो घंटे का तीन घंटे का ब्रेक होगा, आराम से फॉर्मुला वॉर्मला रिवाइज कर लो पेड़ के नीचे, एंड देन गो इन एग्जाम, डू द क्वेश्चंस इजी वन, हंट देम, ब्रिंग इट डाउन, बस टाटा बाय बाय, आगे लाइफ मूव्स ऑन। 17 जून आएगा खत्म, 18 जून आएगा, 19 जून आएगा, हो गया ठीक है। नहीं यार, आई एम डन एंड डस्टेड, ठीक है, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ यार। सर आज का सेशन सुन के मतलब क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगा। आपने कुछ मतलब मोटिवेशन नहीं दिया, आपने दिखाई दिया। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूं ना, मोटिवेशन कुछ नहीं होता यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो आपने अभी वीडियो दिखाई चला के स्पेशल हमको और उस बंदे को दिखाया ना, मतलब, और वो 70 साल का होगा कम से कम, ठीक है, 70 साल का होगा डॉक्टर। ये सबसे बड़ी लाइन है, वहां 6 अटेम्प्ट नहीं मिलते, सिर्फ एक ही बार है भाई उसके पास, एक शॉट, एक गलत हंसी, उसके बाद फैमिली को कैसे है गुड न्यूज़ देता है, सी इट इज़ डन सर, थैंक यू सो मच, बाय, आई विल सी यू, बस, और अगले पे सारी टेंशन खत्म हो गई, आपने मजाक बना दिया टेंशन का, और बिल्कुल भी टेंशन, जो भी अब लास्ट में एग्जाम के बारे में सोच रहा है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स, उसका सिलेक्शन भारी हो रहा है, वो अपने आप को भारी ले रहा है, वो अनलोड ले रहा है, भाई क्या होगा, पेशेंट जिंदा बचेगा ही नहीं भाई, हार्ट फट गया तो, ठीक है भाई, हार्ट में हार्ट ही नहीं हुआ तो कुछ भी अनाप सनाप सोच रहे हो, ठीक है राइट, कुछ भी, रियलिटी ऐसी थोड़ी ना सर, राइट, जो है वो वैसी है, पीपल विल गेट सेलेक्टेड, एग्जाम होगा, पीपल विल गेट सेलेक्टेड, एंड सो फोर्थ हो है, ठीक है, आईएएस बनेंगे, आगे बढ़ जाओगे, तुमसे पहले भी लोग बने, तुमसे बाद भी लोग बनेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है, जो मुझे बताना था, आई होप द मैसेज इज क्लियर, किसी को भी कोई डाउट हो, यू ऑल हैव माई टेलीग्राम आईडी, सुमित इज देयर, आप मुझे बिंदास रात में 3 बजे ही मैसेज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इफ़ समवन इज अनम्यूट, आई थिंक शुभम आपने अभी ज्वाइन किया, इफ यू कुड अनम्यूट आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है, एंड बस अपना बेसिक चीज़ों को रिवाइज करें, कुछ भी नया ना देखें, कुछ नई वीडियोज मत देखें, कुछ ऐसे आजकल चल रही है भाई, आजकल चल रही है इंक्रीज 20 मार्क्स इन 10 मिनट्स, भाई मैं उन लोगों से पूछता हूँ यार, क्यों बच्चों करियर बर्बाद कर रहे हो, 30 मार्क्स इन 20 मिनट्स, बना दूँ मैं भी एक वीडियो, 10 मिनट लगेंगे मुझे ऐसी वीडियो बनाने में, नहीं होगा भाई, ऐसे हो रहा होता ना कब का हो जाता, नहीं होता, ठीक है, जिस बंदे ने पूरे साल या पूरा टाइम प्रोसेस में ध्यान नहीं दिया है, डेफिनेटली फॉर हिम एग्जाम विल ही विल बी अनकम्फर्टेबल, एंड वेन यू आर अनकम्फर्टेबल इन एग्जाम ऑब्वियसली बात है, ठीक है, यू विल कट द रॉन्ग नर्व, एंड वंस यू कट द रॉन्ग नर्व, तो आपका जो पेशेंट है, आपका पेपर स्वर्ग अगले साल, बट यस बी हैप्पी, आपके पास अगले साल अगला पेशेंट आपको मिलेगा अगले साल, ठीक है, बट जो बंदे ने पूरे साल प्रैक्टिस करी है, फॉर हिम इट्स जस्ट दैट सेम ओल्ड डॉक्टर और उसकी कहानी, विच इज़ वेरी इजी, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, किसी का भी कोई हो, यू ऑल हैव माई टेलीग्राम आई डी, सुमित इज़ देयर, ठीक है, किसी को कुछ ईमेल वगैरह करना है तो ईमेल भी यू कैन ऑलवेज टेक इट, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, वी कैन ऑलवेज हैव अ कॉल, वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन, ठीक है, बट प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, अब जिसको कुछ भी पूछना है पर्सनल लेवल पे या कुछ भी तो रुक जाए, द रेस्ट भाई कैन लीव, एंड लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, एग्जाम में घुसने से पहले भी पढ़ना है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन सीइंग दोज पार, कीप ऑन सीइंग दोज, मतलब कुछ इस टाइप का जो आप भूल रहे हो, कुछ कुछ टेम्पल वेम्पल देखते रहो, क्या पता फंस जाए, क्या पता फंस जाए, ठीक है, बस अब जाओ, मुझे और कुछ नहीं बताना, बट जिसका कोई डाउट है मैं लास्ट में जाऊँगा, आई लीव द लास्ट, बाकी द रेस्ट कैन लीव, आई लीव लास्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू, किसी का कोई डाउट है लास्ट में रुकना चाहे पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, आई विल बी लीविंग लास्ट, ठीक है हर्ष, ठीक है, गिव योर बेस्ट, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा करा है, ठीक है, यू हैव बीन माई स्टूडेंट, राइट, और सबने राइट अपना वो करा है, तो एंड तुम्हारा इस बार आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, तुम्हारा हो रहा है भाई, तुम्हारा पक्का हो रहा है, जो जो बोली और जो जो आपने करवाया है ना, मतलब वो सेम चीज करी, आपकी सुन के बिल्कुल फैमिलियर लग रहा था, ये तो हमने करा है, जो आप बस मैं बता दूं, यही तो प्रोसेस हमने करा है, हार्ट सर्जरी की तो प्रैक्टिस करी है, इतनी बार कांटे हैं, इतनी बार पेशेंट ही तो काटे हैं रोज, बस वही जी सी साइड में करवाई, 10-15 टेस्ट क्या करा, रोज एक पेशेंट ही तो काट रहे थे, बस ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है ओके ब्रो गुड नाइट, हाँ जी, अब एक एक करके डाउट लेते हैं, किसी का भी कोई डाउट है जो रुकेगा यानी उसके पास कोई डाउट है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, और भी अच्छा, पीपल आर लीविंग दैट, ठीक है, राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ, बताओ किसका, हु इज गोइंग फर्स्ट, क्या डाउट है बताओ, एनी डाउट किसी का, कोई भी बताओ, पूछो,
कोई भी डाउट बताइए। यस हेलो सर। हाँ रोहित साना बताओ। हाँ हाँ रोहित बताओ बताओ बताओ। हाँ अक्षय अक्षय बताओ। चलो रोहित एक सेकंड अक्षय से पूछ लेते हैं। हाँ अक्षय बताओ पहले। हम सर वैसे तो मतलब आपका जो पॉइंट हम लोग वैसे भी बात किए हैं डीएम में काफी बार, आपने सेम पॉइंट ही रिपीट किया है। बस एक मतलब ऑलमोस्ट सेकंड गेस प्ले करना चाहिए, लेकिन मतलब जस्ट इन केस द लाइक देयर इज समथिंग न्यू ऑल द डिफिकल्टी सेम पॉइंट्स आप बोलते हो, लेकिन सभी की पेयर वाले के नंबर्स गिर गए या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप से, तो जनरली जैसे मैं हमेशा पिछले दो बार 80-85 के बीच पढ़ता हूँ और ठीक ठाक नंबर आऊंगा, तो मतलब क्या आपको लगता है बढ़ा देना चाहिए सीन की? अरे मतलब नहीं देखो जनता प्रॉब्लम ही होती ना ब्रो, प्रॉब्लम ही होती ना, जनता ज़्यादा करे कम करे नहीं है, जनता सही का सिलेक्शन होता है। देखो मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ यस पीपल विल अटेम्प्ट मोर, चलो तुम्हारी कंडीशन लेते हैं सर, इफ पीपल अटेम्प्ट मोर तो क्या सबके सही लगेंगे? फिर तो ये तो वही बात हो गई ना कि हर एक ने करा और हर एक का सही लग गया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पीपल गेट रॉन्ग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू अंडरस्टैंड। एंड इस केस में क्या है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बढ़ाने से अच्छा आप दो चार क्वेश्चन बढ़ा लो। एंड सेकेंडली यार देखो तुम्हारा तो ऑलरेडी आई एफ ओस भी हर बार निकल रहा है, क्लियर है, यू नो पिछले साल भी तुम सी सेट से रुक गए थे, नहीं तो आई थिंक तुम्हारे 100 नंबर पिछले साल भी थे, इस साल भी तुम्हारे आई थिंक 22 में, हाँ 22 में सी सेट से रुका था, 23 में तुम्हारा आई एफ ओस भी क्लियर था, तो तुम्हारा तो प्री निकल रहा है, तो यू आर द बेस्ट जजमेंट, आपको पता है वहाँ पे क्या लेना है आपके लिए, सिंपल ठीक है बस। तो यही है ना, तुम्हें वहाँ पे डिसाइड करना है, देखो यू हैव टू टेक इट वहाँ पे कॉल, बट ये कभी मत सोचना यार ना कि और तो करेंगे ही करेंगे, नहीं 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 वो वैसे ही है यार, रियल अच्छा स्टूडेंट नहीं करेगा, उसे पता है यार उसे सिलेक्शन नहीं, फॉर देखो हर एवरी वन इज़ अ डॉक्टर ठीक है, ये तो मानते हो ना, कल हमारे हाथ में सीजर होगी, सबके हाथ में होगी, बट द फैक्ट इज़ अच्छा डॉक्टर वो जिसे पता है कौन सी काटनी है, वो अपने पेशेंट की चिंता करता है जो